नमस्कार दोस्तों, श्रुति किचन विलेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको उड़द दाल की बड़ा बनाकर बताएंगे। अभी पितृ पक्ष चल रहा है, ये हमने दाल को उड़द दाल को भिगो कर रखा है और धो लिया है अच्छे से। अब इसको हम पीस लेंगे, तो चलिए उड़द दाल को हम पीस लेते हैं। तो हम दाल को मिक्सी से पीस रहे हैं। आप आपके सुविधा अनुसार सिलबट्टे से भी पीस सकते हो, किसी भी चीज में आपको पीसता बनता है, या फिर पीसने वाला मशीन से भी पीस सकते हो। तो हम इसको मिक्सी से पीस रहे हैं। तो मिक्सी के जार में हम इसको डाल लेते हैं। दाल को देखिए, इस तरह से हमको दाल को डाल देना है। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए, हमने दाल को पीस लिया है, हमने सारे दाल को पीस ली है। तो बड़ा कुरकुरा बनाने का एक टिप्स आपको हम बताते हैं। इसके लिए हमने ये चावल ली है, हमने एक किलो जो मूंग उड़द की दाल थी उसमें हमने 1 पाव के करीब चावल भिगाया है। तो हम ये चावल को पीस लेंगे अच्छे से, बिल्कुल चिकना पीसना है। हम इसको भी मिक्सी में डाल देते हैं। इस तरह से हम पीस लेंगे चावल को। तो ये देखिए, हमने चावल जो भिगा कर रखे थे उसको हमने पीस लिया है। अब इसी में हम इसको मिला लेंगे। इससे बहुत ही अंदर से बिल्कुल नरम और ऊपर से कुरकुरा बड़ा बनकर तैयार होता है, बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। तो देखिए, हमने जो चावल का घोल पीसा था उसको हमने उड़द दाल की जो पीसे हैं उसमें हमने डाल दिया है। उड़द दाल की पीठी में हम इसको मिला लेंगे। देखिए, हमने ये उड़द दाल की जो पीठी है बड़ा बनाने के लिए, उसे अच्छे से हमने फेंट लिया है और इसमें मीठा लीम मिलाया, मीठा लीम की पत्ती जो इसे कड़ी पत्ती बोलते हैं, कड़ी पत्ती मिलाया हमने, और लहसुन और हरी मिर्चे का पेस्ट मिलाया है 1 चम्मच, नमक मिलाया है स्वाद अनुसार। तो अच्छे से इसको हमने फेंट लिया है। अब इसका बड़ा बनाकर आपको दिखाते हैं हम। देखो, हमने ये जग में पानी रखा है, पानी को हाथ में ले लेते हैं। हम दोनों हाथ में इस तरह से पानी को ले लिए हैं। अब इसमें का थोड़ा सा जो दाल का पीठी है उसको हाथ में लेंगे इस तरह से। अब इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हमको बराबर गोल आकार देना है। अब ये बड़ा बन चुका है। अब हम इसको तलने के लिए हम डाल देंगे। तो अब इसको डाल देते हैं हम। इसी तरह से हम और बड़े तलने के लिए डाल देंगे। तो इस तरह से हमको बड़े को डालना है। तो देखिए, ये हमारा बड़ा सिकने के लिए डाल चुका है। तो नीचे को हम अच्छे से सुनहरा होने तक सिक लेंगे, तल लेंगे। उसके बाद हम इसको पलटाएंगे। तो अभी तलने देते हैं। देखिए, हम बड़े को पलटा कर देखते हैं एक साइड सीका है कि नहीं उसको। तो हल्का और सीखना है हमको, तो पलटा लेते हैं और तो वैसे ही सीख जाएगा। देखिए, करके सभी बड़े को हम पलटा लेंगे इस तरह से। फिर से हम सीखने देंगे। हाँ, आज को हम मीडियम से हाई रखे हैं, मतलब पहले तेल गर्म करने के लिए हमने हाई फ्लेम किया था, अब मीडियम में सेक रहे हैं इसको। तो देखिए, बड़ा बिल्कुल निकालने के लिए हो चुका है, दोनों तरफ से अच्छे से सेक चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे।
तो अब इसको हम ट्रे में डाल लेंगे। इस तरह से हम सारे बड़े को सेक लेंगे। सारे बड़े को सेक लिए हैं। तो देखिए हमारा बड़ा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये सर्व करने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। इसको हम हरी चटनी, सब्जी, दही किसी भी चीज के साथ खा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।